अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आखिरी दौर में पहुंच गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या मामले में आने वाले संभावित फैसले के मद्देनजर बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाई गई है। फोर्स के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है। हालांकि जिस प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया है कि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक अयोध्या विवाद का संभावित फैसला दीपोत्सव, चेहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने तक अयोध्या जिले में धारा 144 लागू रहेगी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स मांगी गई है। अयोध्या में पहले तैनात रहे शीर्ष अधिकारियों को भी दीपावली महोत्सव और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को देखते हुए बुलाया गया है। 18 अक्टूबर से पहले चरण की फोर्स आनी शुरू हो जाएगी। दीपावली के बाद पहले चरण की फोर्स रोकी जाएगी, जबकि फैसले के सप्ताह में दूसरे चरण की फोर्स आएगी। पहले चरण में बाहर से आने वाली पीएसी, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है। इन 200 स्कूलों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला प्रशासन को भेजी है। जन्मभूमि विवाद पर 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तो अयोध्या में कुछ इसी तरह का सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिला था। अब एक बार फिर अयोध्या में प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमत रहा है शुरुआत से, हमारा लाइन, हमारा एक्शन क्लियर है, सर्वानुमत के आधार पर या माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर। लेकिन पूरे जो देश की जनता है, सभी धर्मों की, वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो और ये प्रकरण का पटाक्षेप हो। तो ये अच्छी बात है कि माननीय न्यायालय जल्दी जल्दी सुनवाई पूरी कर रहा है, निर्णय भी जल्दी देगा, ऐसी आशा है। इट्स ए मैटर विच इज रेज द इमोशंस ऑफ पीपल ऑन ऑल साइड्स, सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस दिस प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। 17 लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद तोड़ने का षड्यंत्र करने का केस चल रहा है, तो ये क्या कोर्ट नहीं जानता? ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हैं। आर्कियोलॉजिकल का सर्वे क्या कहता है या हिंदू आस्था क्या कहती है या मुस्लिम आस्था क्या कहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आस्था बिल्कुल अलग चीज़ है, कोर्ट उस पर फैसला भी नहीं करेगा। या इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ कोर्ट को ये बताना और जताना चाहता हूँ कि आपके सामने 1992 का प्रकरण है, पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने है, आप जो भी हक है, जो भी सच है, वो फैसला कर दीजिए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ इस बार दिवाली मनाने का निर्णय किया है। वीएचपी की ओर से कहा गया कि भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या पधारे, तब से लेकर आज तक यानी त्रेता युग से कलयुग तक जगह जगह पर संतों के कार्यक्रम होते हैं, दीपों का कार्यक्रम होता है। अगर अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है तो उनकी जन्मभूमि पर भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि अगर विवादित परिसर में वीएचपी को दिवाली मनाने की इजाजत मिलती है तो वह भी वहां नमाज अदा करने की मांग करेंगे। हाजी महबूब ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित स्थान पर दीप जलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर प्रशासन वीएचपी को दीप जलाने की अनुमति देता है तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत मिलनी चाहिए। दरअसल अयोध्या विवाद में सुनवाई आखिरी दौर में पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सोमवार तक दलीलें खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष इसका जवाब देगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई कह चुके हैं कि कोर्ट को फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का समय चाहिए होगा। चूँकि सीजेआई गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में 17 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी होनी है। अयोध्या मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है। इस पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।